हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। हम लोग देख रहे हैं हमारे ज्योग्राफी की क्लासेस, दिस इज फॉर GS पॉइंट ऑफ व्यू। तो फटाफट शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बोवेंस रिएक्शन के बारे में और हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। इसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं और हम लोगों के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे वोल्केनो हो गया, सुनामी हो गई, फिर लैंडफॉर्म हो गए। तो इन सारे चैप्टर को हम लोग इस संडे तक कंप्लीट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट 10 डेज में हम लोग इस पूरी ज्योग्राफी के सेशन को खत्म कर दें फटाफट। और उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे द सो कॉल्ड एंड मोस्ट डिमांडिंग हिस्ट्री की सीरीज। हिस्ट्री की सीरीज हम लोग शुरू करेंगे, जो कुछ भी वहां पर देखेंगे। जैसे हम लोग ने ज्योग्राफी देखा, इकोनॉमिक्स देखी है, वैसे ही हिस्ट्री को भी एकदम डिटेल्ड मैनर में और स्टोरीज के साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम लोग हिस्ट्री को देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हमारी ये ज्योग्राफी की सीरीज। तो स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स और प्लस ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। बाकी हम लोग का आज का टॉपिक होने वाला है वोल्केनो, एंड दिस इज द वोल्केनो जो कि आपने मूवी में या फोटोग्राफ्स वगैरह में देखा होगा। लगातार इसके वीडियोज वायरल होते रहते हैं, लगातार चीजें होती रहती है। तो आज हम लोग देखेंगे ये वोल्केनो आखिर बनता कैसे है, क्या कुछ होता है, इज इट डेंजरस और इट इज क्या हो सकता है। सबसे पहले आती है कि वोल्केनो होती क्या है। तो वोल्केनो को मतलब होता है कि एक मॉल्टन मैग्मा। मतलब क्या है, जैसे हमें पता है कि ये हमारा, मान लेते हैं कि ये क्रस्ट है, दिस इज आवर क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे हमारी एस्थेनोस्फीयर है और इस एस्थेनोस्फीयर के नीचे हमारा मैग्मा या फिर कह सकते हैं कि हमारा मेंटल है। इतना तो आपको आज तक में क्लैरिटी आ चुकी है क्योंकि हम लोगों ने ज्योग्राफी बहुत डिटेल में कर रखा है। मेंटल में आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और यहाँ पर जो मटेरियल है वो हाई डेंसिटी का भी हो जा रहा होता है। ये सारी चीजें हमें पता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। यहाँ पर क्या है, कन्वेक्शन करंट्स जनरेट हो जा रही होती हैं। ये सारी कुछ चीजें हम लोगों ने लास्ट तक में देख ही रखा है। यहाँ पर हाई प्रेशर के कारण से लगातार प्रेशर रिलीज करने के लिए इस पर एक हाइड्रोस्टैटिक या कह सकते हैं कि प्रेशर फोर्सेस लगते रहेंगे। इस प्रेशर फोर्स को रिलीज करने के लिए अगर कहीं से भी क्रैक मिला, फिशर मिला या किसी प्रकार से फॉल्ट मिला तो वो वहां को तोड़ करके अल्टीमेटली मैग्मा का इरप्शन कर देगा, मैग्मा का उद्गार कर देगा और यही मैग्मा का इरप्शन ही कहलाता है वोल्केनो। तो वोल्केनिज्म इंक्लूड मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक ऑन टू और टूअर्ड द अर्थ सर्फेस। क्लियर हो गया क्या चीज है। अ वोल्केनो इज फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टन मैग्मा इन द अर्थ इंटीरियर एस्केप थ्रू द क्रस्ट बाय वेंट और फिशर। तो यही चीज जो फिशर से निकल रही है, या वेंट का मतलब होता है जो एक इस तरीके से बीच में होल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो पाइप बन रही है, इसी को वेंट बोला जाता है। तो वेंट एंड फिशर्स इन द क्रस्ट अकॉम्प्लिश्ड बाय स्टीम और गैसेस, और बाकी ये सारी जो गैसेस है वो पायरोक्लास्टिक मटेरियल या फिर इसी पायरोक्लास्टिक मटेरियल को आप बोल सकते हैं कि ये एक तरीके का मैग्मा हो गया, ये मैग्मा है। क्लियर हो गया क्या चीज है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल के बारे में देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ और डिनोटिंग रॉक फ्रेगमेंट्स और एश इरप्टेड बाई ए वोल्केनो स्पेशली एज अ हॉट डेंस डिस्ट्रक्टिव फ्लो। अगर इसके थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में हम लोग जाएं अपने बोवेन रिएक्शन के सहारे, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि अच्छा चलिए आप ये बताइए इसमें ग्रेनाइट होगा या इसमें एंडेसाइट होगा या इसमें बसाल्ट होगा या इसमें पेरिडोटाइट होगा, बताइए क्या हो सकता है। मतलब कि नीचे से मटेरियल जो बाहर की ओर निकल रहा है वो क्या हो सकता है। इज इट कैन इट बी ग्रेनाइट, बिल्कुल पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। एंडेसाइट हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। बसाल्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन पेरिडोटाइट क्या ये पॉसिबल है, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं पॉसिबल है कि अगेन अगर ये ऊपर चला गया तो सीधी सी बात है इतना हाई डेंस मटेरियल कभी ऊपर नहीं जा सकता है, इसको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। और ये कन्वर्जन बेसिकली या तो बसाल्ट में होगा या एंडेसाइट में होगा या ग्रेनाइट में होगा, किसी ना किसी एक फॉर्मेट में हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो ये पायरोक्लास्टिक मटेरियल, दिस कैन बी ईदर ग्रेनाइट और एंडेसाइट और बसाल्ट। क्लियर हो गया क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स की क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनो क्या है। तो देखिए वोल्केनो का जो क्लासिफिकेशन है इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे
दिस इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, कितना तेजी से और कितने दिनों में इरप्शन हो रही है। इस कारण से वल्केनो को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है जिसको बुलाता है एक्टिव वल्केनो, दूसरी होती है जिसको डॉर्मेंट वल्केनो कहते हैं, और तीसरी होती है जिसको हम लोग एक्सटिंक्ट वल्केनो कहते हैं। एक्टिव वल्केनो का मतलब है कि हाँ एक्टिव है, लगातार इसमें से वल्केनिक इरप्शन होते रह रहे हैं। तो ये बेसिकली वल्केनिक इरप्शन यहाँ से हो रहे हैं, एक्टिव स्टेज में है। दूसरी होती है डॉर्मेंट, हो तो नहीं रहा है लेकिन होने के चांसेस बिल्कुल हैं। तो यहां पर फिलहाल चांसेस हाई हैं कि यहां पर इरप्शन पॉसिबल है। तो एक तरीके से कह सकते हैं दिस इज इन द डेंजर जोन, ये डेंजर जोन में है, कोई भी इसके आसपास नहीं जाएगा। तीसरी होती है एक्सटिंक्ट, कभी हुआ था लेकिन पिछले 100 सालों में ये कोई भी इरप्शन नहीं हुआ है। एंड देयर इज वेरी लेस चांस, दिस इज वेरी लेस लाइकली दैट इरप्शन होगा, तो इस वजह से ये एक्सटिंक्ट वल्केनो कहला जाती है। क्लियर हो गया क्या है एक्सटिंक्ट वल्केनो, डॉर्मेंट एंड एक्टिव, ये सब चीजें। अगली जो क्लासिफिकेशन का मोड होती है उसको बोलते हैं मोड ऑफ इरप्शन, किस तरीके से इरप्शन हो रही है। तो हमारे पास अगेन दो तरीके हो जाते हैं, एक होता है जिसको सेंटर टाइप इरप्शन बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं फिशर टाइप इरप्शन। होता क्या है ये, जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्रस्ट है, तो क्रस्ट से जब भी हमें इस तरीके की पाइप बन के आती है उसको हम लोग बोल देते हैं सेंटर टाइप इरप्शन। तो बीच में आपको इस तरीके का होल दिखेगा एंड अल्टीमेटली इस तरीके से इरप्शन हो जा रही होती है। तो ये फिशर टाइप इरप्शन क्या होती है, फिशर टाइप इरप्शन का मतलब ये होता है, जरा ध्यान से समझिएगा, फिशर टाइप इरप्शन का मतलब ये होता है कि हमारा ये जो सरफेस है, थोड़ा 3D फिगर ले लेते हैं, हमारा जो सरफेस है ये बेसिकली क्रैक्स जनरेट करके रखा हुआ है। इस क्रैक के सहारे इस पूरे इलाके में हमें इस तरीके से वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा इलाका इरप्शन कर रहा है, ये पूरा का पूरा इलाका इरप्शन कर रहा है। तो एक तरीके से दीज जो रेड पोर्शन में मैं कलर कर रहा हूँ, ये इरप्शन का एरिया हो जाएगा, वोल्केनिक इरप्शन जोन बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी वोल्केनिक इरप्शन जोन बन जाएगा। तो इसमें सर्कुलर पैटर्न नहीं रहेगा, यहां पर इलांगेटेड पैटर्न हमें देखने को मिल रहा होगा। तो दिस विल समथिंग लाइक दैट, समझ में आ गया क्या चीज है फिशर टाइप। नेक्स्ट आती है हमारी वोल्केनो किस तरीके की मटेरियल निकाल रही है, मतलब एसिडिक निकाल रही है या बेसिक निकाल रही है। अब यहां पर आपका आ जाएगा बोमन रिएक्शन वाला अगेन फंडा, जहां पर हमारी ग्रेनाइट का मटेरियल था, हमारा एंडेसाइट का मटेरियल था, हमारा बसाल्ट का मटेरियल था, और पेरिडोटाइट तो हम लोगों ने देखा कि निकल नहीं सकता है क्योंकि डेंसिटी डिफरेंशिएशन का केस आ जाएगा। ग्रेनाइट हमें पता है कि ये एसिडिक होती है, इसलिए ये एसिडिक टाइप ऑफ वोल्केनो में चला जा रहा होगा। एंडेसाइट हमें पता है कि थोड़ा सा स्लाइट या लेस एसिडिक कह सकते हैं, स्लाइट एसिडिक हो सकता है, तो इस वजह से ये भी किस में चला जाएगा, अपने एसिडिक वाले फॉर्मेट में ही चला जाएगा। बसाल्ट हमारी क्या होती है, स्लाइट बेसिक होती है, और इस तरीके से ये बेसिक लावा वाले पोर्शन में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लावा है दैट इज बेस्ड ऑन द एसिडिक और बेसिक नेचर, हम इस तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं। यहां से क्लासिफाई करने के पीछे रीजन ये होता है कि हमें स्ट्रक्चर ऑफ माउंटेन पता चल जाता है कि कैसा बनेगा। जैसे ग्रेनाइट है, एसिडिक है, विस्कस बहुत कम होगा, कंपोजिट वोल्केनो बन जाएगा, सीधी सी बात है। एंडेसाइट है, कोन टाइप का बन जाएगा। बसाल्ट है, डूम शेप टाइप का बन जाएगा, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि शीट टाइप का बन सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर्स निकल करके आ जाएंगे। क्लियर हो गया क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे टाइप ऑफ वोल्केनो है और ये फोटोग्राफ है जहां से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की चीजें लिखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वोल्केनो टाइप 1x1 करके अगर डिस्कस करें तो यहां पर देखिए लिख रहा है इंक्रीजिंग वायलेंसी एंड इंक्रीजिंग वेलोसिटी विस्कोसिटी, यानी 100% श्योर है कि नीचे वाला मटेरियल 100% ग्रेनाइट मटेरियल होगा और ऊपर का मटेरियल जो भी होगा वो बसाल्ट टाइप मटेरियल होगा, और बीच में इस तरीके से चेंजेस हमें आते हुए देखने को मिलेंगे, बीच में कहीं पर एंडेसाइटिक टाइप मटेरियल देखने को मिलेगा और फिर हमारी ग्रेनाइट टाइप मटेरियल हो जाएगी। देखते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले फ्लड या प्लेटू बसाल्ट देखेंगे। देखिए सबसे पहले ही आ गया बसाल्ट, यहां पर एग्जांपल देखेंगे तो दिस इज कोलंबिया रिवर बसाल्ट, कोलंबिया रिवर प्लेटू जो कि यूएस में है, ठीक है। यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो ये लावा वेरी लिक्विड लावा फ्लोज वेरी वाइड स्प्रेड इमिटेड फ्रॉम फिश फ्रैक्चर्स। अब देखिए
वाइड स्प्रेड बहेगी, क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी इसकी बहुत कम है एंड शीट टाइप की ये हो जाएगी। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, क्लैरिटी है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस करके रखा हुआ है। दूसरी होती है शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो में क्या है, एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में जब आप देखेंगे तो जैसे हवाइन आइलैंड्स हो गए या फिर हाईलैंड ब्यूटे हो गया, फिर माउंट सिल्वेनिया हो गया, तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे सीन आ जाते हैं जो कि अगेन यूएस के एरिया में आ जाते हैं या फिर नॉर्थ अमेरिका में बोल सकते हैं। ओवरऑल यहां पर जब इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे तो यहां पर भी देखिए सेम टाइप ऑफ बसाल्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे लिक्विड लावा एमिटेड फ्रॉम ए सेंट्रल वेंट, लार्ज होगा, समटाइम्स हैज अ कोलैप्स कैल्डेरा। कोलैप्स कैल्डेरा क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ विस्कोसिटी कि यहां पर ये पूरा का पूरा एक साथ में जम जाए, यहीं पर आकर के ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स करे। बट शीट है, कैल्डेरा बनेगा। कैल्डेरा क्या चीज होती है थोड़ी देर में भी समझ में आ जाएगी आपको, लेकिन ये विस्कोसिटी कम है इसी वजह से ये सस्टेन नहीं कर पा रहा और इसी वजह से फ्लो कर जाएगा, फ्लो करेगा कोलैप्स कर जाएगा, काम खत्म हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है सिंडर कोन। सिंडर कोन क्या चीज है, अब देखिए थोड़ा सा यहां पर विस्कोसिटी अब हाई होना शुरू हो जाएगी और यहां पर एग्जांपल अगर देखेंगे तो जैसे यहां पर देखेंगे लावा ब्यूटे हो गए या फिर क्रेटर ऑफ मून्स हो गए या फिर माउंट जियोन हो गए, तो ये सब चीजें अलग अलग तरह से लिखी हुई हैं। सिंडर कोन के अगर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे तो देखिए एक्सप्लोजिव लावा, एक्सप्लोजिव लिक्विड लावा। अब एक्सप्लोजिव है, क्यों एक्सप्लोजिव है? बिकॉज इसकी डेंसिटी रिलेटिवली कम होगी, इसीलिए ना ऊपर ज्यादा निकलेगा, डेंसिटी रिलेटिवली कम निकलेगी और हमारा विस्कोसिटी अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज यहां पर हमें देखने को मिलेगी, जहां पर डेंसिटी अगर दिखे किसी भी चीज की, अगर डेंसिटी हल्की रहेगी तो सीधी सी बात है वो हाइट ज्यादा अटेन कर रहा होगा, ज्यादा हाइट अटेन कर रहा होगा, दिस इज हाई हाइट। और वही अगर लेस डेंस रहेगा, मान लीजिए कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है उसकी, दिस इज लेस डेंस वाले एलिमेंट का, ठीक है, हल्का है इसलिए ऊपर ज्यादा जाएगा। जो हाई डेंस होगा उस सीधी सी बात है कम हाइट तक जाएगा तो वो इतना ज्यादा वायलेंट नहीं हो पाएगा, और जबकि ये वायलेंट बहुत ज्यादा रहेगा। ये चीज तो क्लैरिटी आ ही रही है आपको, दिस इज वेरी क्वाइट कॉमन, बहुत कॉमन चीज है ये। चलिए खैर, तो ये हो जाती है हमारे सिंडर कोन के बारे में, जहां पर अब मटेरियल थोड़ा सा विस्कस हो गया और साथ में डेंसिटी हल्की हो गई या वेलोसिटी हाई हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट कंपोजिट और स्ट्राटो वोल्केनो, और ये मटेरियल अब धीरे धीरे ग्रेनाइट टाइप देखने को हमें मिलेगा। दिस इज देखिए मोर विस्कस, क्लियर, मच एक्सप्लोसिव, सीधी सी बात एक्सप्लोसिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, डेब्रिस हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, एमिटेड फ्रॉम ए सेंट्रल विंड। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिए एग्जाम्पल आपको कुछ कुछ याद रखने हैं, जैसे माउंट रेनियर टाइप के, माउंट बेकर टाइप के, ये सब आपको याद रखने हैं। मैं आप लोगों को जो मैप मेकिंग हो रही है वहां पर एक साथ ही सारे वोल्केनो सब कुछ एक साथ ही करा दूंगा, तो मैप मेकिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समय उधर रिवर चल रही है, अगेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक आध क्वेश्चन उस पर हर साल आते ही आते हैं, इसलिए क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आ जाती है हमारी वोल्केनिक डूम। दिस इज वेरी विस्कस लावा रिलेटिवली, देखिए डूम से मत कंफ्यूज होइएगा, डूम इज समथिंग डिफरेंट एंड वोल्केनिक डूम इज समथिंग डिफरेंट। यहां पर जो है विस्कस लावा है और एक्सप्लोसिव बहुत ज्यादा है, बिकॉज दिस इज थोड़ा सा ज्यादा, इसमें ग्रेनाइट का जो परसेंटेज है कह सकते हैं कंपोजिशन वो रिलेटिवली ज्यादा होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कुछ कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कैल्डेरा, दिस इज द लास्ट थिंग एंड दिस इज प्योरली ग्रेनाइट, आप बोल सकते हैं ग्रेनाइट के तरीके से होगी, और इस वजह से यहां पर देखिए वेरी लार्ज कंपोजिट वोल्केनो बन रहा है। क्यों? ग्रेनाइट है, सीधी सी बात है। इसीलिए देखिए अगर आप ये बोवन रिएक्शन सीख गए, अब आप देखिए कितना आसानी से आप वोल्केनो को समझ पा रहे हैं। तो यहां पर ग्रेनाइट का मटेरियल है, कंपोजिट वोल्केनो हो गया। अब सीधी सी बात है कोलैप्स आफ्टर एक्सप्लोजिव पीरियड, बस यही है कि बहुत समय लगेगा बिकॉज विस्कस बहुत ज्यादा है, तो विस्कस ज्यादा है तो जब तक ये अपने आप में टूटेगा नहीं, मतलब इसकी विस्कोसिटी की जो बॉन्ड है जब तक वो ब्रेक नहीं करेगी, ये कैल्डेरा मतलब यहां पर जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो ब्रेक नहीं करेगा कभी। क्लियर हो गया। लेकिन वही अगर बसाल्टिक होता था तो क्या होता था, ये बसाल्टिक होने के कारण से तुरंत कोलैप्स कर जाता था। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी इसकी नहीं होती थी। क्लियर हो गया क्या चीज है, जैसे येलोस्टोन पार्क वगैरह हो गया यूएस का, वो यही सब है। क्लियर हो गया क्या चीज है।
दिस इज ऑल टाइप ऑफ वोल्केनो जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. हालांकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, बट केवल नाम नाम देखा था. अब इंट्रूसिव का मतलब और एक्सट्रूसिव का मतलब जरा समझिएगा क्या है. दिस इज आवर क्रस्ट. अर्थ का ये क्रस्ट है. नीचे हमारा इंटीरियर हो गया, इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया, जहां पर आपका चीजें आ जाती हैं, जैसे एस्थेनोस्फीयर हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया. ऊपर जब आ जाएंगे तो ये एक्सट्रूसिव हो जाता है. एक्सट्रूसिव बोल सकते हैं या एक्सटीरियर बोल सकते हैं इसको. और ये आ गई अर्थ की सरफेस. ऊपर में सरफेस है, यहां पर आप खड़े हैं, ऊपर आपको बादल इस तरीके से दिख रहा होगा, यहां पे पक्षी अच्छी जा रहे होंगे, प्लेन जा रही होगी. चलिए, तो ये जो सरफेस होती है उसको एक्सटीरियर बोलते हैं और नीचे वाले सरफेस को हम लोग इंटीरियर बोलते हैं. जब भी कोई लावा या कोई लैंडफॉर्म बीनीथ द अर्थ सरफेस अटक जाता है, यानी यहीं पर ये स्टक कर गया, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म. जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ग्रेनाइट है. सपोज ग्रेनाइट है, अर्थ सरफेस के नीचे आकर के अटक गया. क्या ये बाहर एक्सपोज हो सकता है क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट कैन नॉट कन्वर्ट इन एनी अदर केमिकल, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है. अगर वो अर्थ के सरफेस के नीचे ग्रेनाइट फॉर्मेट में अगर अटक गया है तो वहीं अटका रहेगा, ये निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ग्रेनाइट अब किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे कोई लाइट मटेरियल नहीं होता है. दिस इज द मोस्ट लाइट मटेरियल. तो ये एक तरीके का क्या बन गया? इंट्रूसिव लैंडफॉर्म. लेकिन वही अगर मान लेते हैं कि यहां पर एंडेसाइट है, या फिर हमारा बसाल्ट है, या फिर हमारा पेरिडोटाइट भी है, तो ये क्या अर्थ के सरफेस से बाहर निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं, क्योंकि एंडेसाइट कैन कन्वर्ट इन टू ग्रेनाइट, बसाल्ट कैन कन्वर्ट इन एंडेसाइट, पेरिडोटाइट कैन कन्वर्ट इन बसाल्ट. तो इस वजह से ऊपर के सरफेस पे हमें एंडेसाइट, ग्रेनाइट और बसाल्ट, ये तीनों मिल सकती है. एंड दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ मटेरियल कैन गो टू द एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ. क्लियर हो गया क्या चीज है? तो अब हम लोग जरा इंटीरियर और एक्सटीरियर में, या फिर इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में जब अंतर समझ गए हैं तो इसके बारे में देख लेते हैं. सबसे पहली होती है एक्सट्रूसिव वोल्केनो. दिस इज हॉट मैग्मा फ्रॉम इनसाइड द अर्थ फ्लोज आउट एक्सट्रूसिव ऑन टू द सर्फेस एज लावा और एक्सप्लोड वायलेंटली इन टू द एटमोस्फियर टू फॉल बैक एज पायरोक्लास्टिक मटेरियल. This is as opposed to intrusive rock formation in which magma does not reach to the earth surface. Clear हो गया, हम लोगों ने देख लिया है. Intrusive volcano के बारे में अगर बात करें तो देखिए, intrusive volcano when the molten magma is not able to reach the surface and instead cool down very slowly at the greater depth inside earth. This is inside earth crust या फिर surface. स्लो कूलिंग अलाउ बिग साइज क्रिस्टल्स लार्ज ग्रेन्स टू बी फॉर्म्ड. ग्रेनाइट इज अ टिपिकल एग्जाम्पल. देखिए, ग्रेनाइट अंदर की ओर में स्टक कर गया, स्टक करने के कारण अब ये एक्सपोज नहीं हो सकता है. दीज रॉक अपियर ऑन द सर्फेस ओनली आफ्टर बींग अपलिफ्टेड एंड डेन्यूडेटेड. अब क्या होगा? जैसे यहां पर कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये हमारा क्रस्ट है. सपोज ये क्रस्ट है हमारा, और नीचे मान लेते हैं कि हमारा जो मटेरियल है ग्रेनाइट का, वो इस तरीके से मान लेते हैं स्टक करके रखा है. ब्राउन ले लेते हैं, इस तरीके से मान लीजिए स्टक करके यहां पर जो है रखा हुआ है. दिस इज आवर ग्रेनाइट मटेरियल जो स्टक हो रखा है. तो अब क्या होगा? सरफेस तो हमारा ऊपर है, क्या होगा? क्या वो कभी एक्सपोज हो सकता है? बिल्कुल एक्सपोज हो सकता है. देखिए, ये सरफेस लगातार जो है वो कई सारे एजेंट से, जैसे विंड हो गया, या वाटर हो गया, या ग्लेशियर हो गया, या फिर ग्राउंड वाटर, रिवर, बहुत सारे एजेंट होते हैं, एक्सटर्नल एजेंट होते हैं जो लगातार इस धरती को काट रहे होते हैं. कटिंग होते आएगी, ये हमारी कटिंग हो गई, हमारी कटिंग होके यहाँ पहुंच गई, फिर हमारी कटिंग हुई, कटिंग होके यहाँ पहुंच गई, फिर कटिंग हुई, यहाँ पहुंच गई. तो जब कटिंग हो रही है तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा ये ऊपर का सरफेस एक्सपोज हो गया? तो यानी कि एक हमारा लाइन चला गया. अब यानी कि ये जो ग्रेनाइट का मटेरियल है, देखिए ये ग्रेनाइट का मटेरियल एक्सपोज्ड टू सरफेस हो गया. क्या लेकिन ये नेचुरली आ गया है क्या? नहीं, ये आया है विंड, वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर या फिर ग्लेशियर, इन सभी के एक्शन के कारण से देखने को हमें मिला. ये अपने आप नहीं आया है बाहर में. क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, नाउ ये होती है हमारी एक्सट्रूसिव वोल्केनो. एक तरीके से आप फोटोग्राफ देख सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने
कंपोजिट वोल्केनो का एक फोटोग्राफ देखा हुआ है। इस कंपोजिट वोल्केनो में देखेंगे, यहां पर देखिए ऐश क्लाउड है, मतलब कि यहां से आपका वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो वोल्केनिक इरप्शन के कारण से यहां पर गैसियस मटेरियल वगैरह निकला हुआ है, डस्ट पार्टिकल निकला हुआ है जो कि ऐश क्लाउड के फॉर्मेट में निकल करके रखा हुआ है। यहां पर जो टॉप सरफेस आप देख रहे हैं जहां से मटेरियल निकल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर। क्लियर हो गया? एक काम करते हैं, हाइलाइटर ले लेते हैं ताकि आपको दिखेगा क्लियर। तो ये हमारी हो जाती है क्रेटर, ठीक है। इस क्रेटर के बाद ये जो आपको दिख रहा है एक पूरी पाइप टाइप की, इसको बोला जाता है वेंट। लेकिन ये वेंट होता है, वेंट और डाइक्स दो तरीके की होती है, अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा क्या चीज है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी पूरी मोटी पाइप है और इससे एक छोटी और पाइप, सब पाइप निकली हुई है, तो ये जो मोटी पाइप है इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्स, डी वाई के ई एस। लेकिन ये जो पतली पाइप है इसको बोला जाता है वेंट। जैसे आप लोग देखे होंगे ना, बोला जाता है कि डक्ट वेंट कहां पे है, या फिर जहां से भी आप किसी गैस को निकाल सकते हैं उसको हम लोग वेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? ये हो जाती है वेंट। जैसे सिमिलरली यहाँ पे देखिए साइड वेंट बना हुआ है, ये छोटी सी गई हुई है, साइड वेंट बोला जा रहा है। यहाँ पे मटेरियल जो है आपका इकट्ठा हुआ है जिसको हम लोग पायरोक्लास्टिक कोन बोल दे रहे हैं, बाकी सरफेस यहाँ पर गिर रहा है इसको फ्लैंक बोल दिया जा रहा है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये हमारी एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म का केस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लावा प्लेन हो गई, तो फ्लैंक एक तरीके की लावा प्लेन ही है, क्योंकि यहां पर मटेरियल आकर के गिर रहा है, फ्लो कर जा रहा है और बसाल्टिक लावा लेकर के आ रहा है। बसाल्ट क्योंकि विस्कस बहुत कम होगा और मूवमेंट ज्यादा होगी, तो लावा प्लेन एंड बसाल्ट प्लेटू फ्लूड, और ये पाई जा रही होती है यूएस में, आइसलैंड में, इस तरह से देख सकते हैं हम लोग। फिर होती है लावा डूम एंड शील्ड वोल्केनो। लावा डूम का मतलब वही है कि जो हमारा ये कंपोजिट वोल्केनो बना है, इस कंपोजिट वोल्केनो की जगह पे अगर हमें शील्ड वोल्केनो मिल जाती है, यानी कि मटेरियल या तो एंडेसाइट होगा या फिर हमारी हो सकती है कि वहां पर बसाल्ट की मटेरियल हो, तो इस मटेरियल के कारण से हमारा डूम टाइप का शेप बन जाएगा और यहाँ पर वोल्केनिक कोन और ये सारी जो चीज है वो अगेन हमें एक्सक्लूसिव मिलेगी। भाई सरफेस के बाहर है, माउंटेन बनेगा, चाहे वो कंपोजिट बने, चाहे शील्ड बने, चाहे डूम बने, कुछ भी बने, इट इज काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म बिकॉज इट हैज बीन एक्सपोज्ड टू द सरफेस, बाहर की ओर में दिख गया, इस वजह से हमें सरफेस मिल जाएगा। इसके अलावा हमें ऐश कोन मिल जाती है, सिंडर कोन मिल जाती है, दे आर लेस फ्लूइड एंड क्रेटर, ये सब चीजें जो मिल जाती हैं, ये एक तरीके की एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म होती है क्योंकि अगेन बाहर निकल गई है। फिर होती है लावा टनल। लावा टनल मतलब कुछ नहीं, यही जो डाइक्स है उसी का नाम लावा टनल बोला जा रहा है। ये वोल्केनिक डस्ट पार्टिकल भी हो जाते हैं और साथ में ऐश एंड डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हो जाती है, फाइन पार्टिकल, ब्लैक स्नो पार्टिकल, इस तरीके से हमारे पास चीजें आ जाती हैं जो कि एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म के फॉर्मेट में होती है। समझ में आ गया एक्सक्लूसिव क्या है? एक्सक्लूसिव इज समथिंग लाइक कि जो चीज आपको बाहर निकल के आ जाए, यही हम लोग लगातार देखते जा रहे हैं। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में देखते हैं। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में देखिए, आपको एक फोटोग्राफ दिख रही होगी एंड दिस फोटोग्राफ हैज बीन टेकन फ्रॉम जी सी लियोंग। जी सी लियोंग एक बुक है और यहां से लिया गया है, तो काफी अच्छी बुक है, एक बार अगर आपको पढ़ना रहे तो यू कैन गो टू दैट बुक, जा सकते हैं, बड़ा अच्छा बुक है। अब इसमें अगर मटेरियल को देखें तो देखिए सबसे नीचे आपको यहां पर जो लिखा हुआ है वो दिख नहीं रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज बैथोलिथ, और बैथोलिथ मतलब होता है मॉल्टन मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा। और ये मॉल्टन मैग्मा आपको 100% श्योर है कि या तो एस्थेनोस्फीयर में मिलेगी, या तो ये आपको कहां पर मिलेगी, या तो आपको मिलेगी ये मेंटल में, जहां पर भी मिलेगी सीधी सी बात है यहां पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर बना हुआ होगा, दिस इज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर यहां पर आपको बना हुआ मिलेगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जब भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर मिलेगा इसको, तो ये हमेशा खोजेगा क्या, हमेशा ये खोजेगा क्रैक, फिशर्स, फॉल्ट्स, कुछ भी खोजेगा इस तरीके से। तो जब भी ये मटेरियल बाहर की ओर में क्रैक मिलेगा, निकलना शुरू कर देगा, निकलेगा तो सीधी सी बात है एक प्लूम बना करके इस तरीके से एक वेंट बनाएगा, वेंट बनाएगा, और जहां जहां भी इसको फॉल्ट मिलेगी, क्रैक मिलेगी, वहां वहां पर ये मटेरियल अपना भेजना शुरू कर देगा। समझ में आया क्या चीज है? तो सिल्स के बारे में आप इसी तरीके से बहुत सारे हमारे लैंडफॉर्म्स वगैरह बनते जाते हैं जो कि इनसाइड द अर्थ होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा, अर्थ के अंदर में है, अर्थ के अंदर में तो हम झांक नहीं पा रहे हैं। इसको एक्सपोज किया जाता है, मतलब इसकी जब भी ये एक्सपोज्ड टू द सरफेस होते हैं, टूट फूट करके जब भी ये बाहर निकलते हैं, तो हमें अलग अलग टाइप का लैंडफॉर्म देखने को मिलता है और उस लैंडफॉर्म के जरिए हम इसको क्लासिफाई किए हुए हैं, इस तरीके से नामकरण इसका किए हुए हैं। जैसे सिल्स के बारे में अगर बात करते हैं, सिल्स इज लाइक हॉरिजॉन्टल बेड एक तरीके की होती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये
इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फैला हुआ है। ये 2D फिगर है, 3D फिगर कैसा दिखेगा, देखिए इस तरीके से अगर मान लीजिए सिल फैला हुआ है तो आपको यहां पर इस तरीके से आप प्लेट बना सकते हैं। दिस इज समथिंग लाइक सिल, दिस इज सिल, जैसे एक कह लीजिए कि सरफेस हो जाती है ना, जैसे कंक्रीट की कोई चादर हो गई या कुछ भी हो गई, तो दिस इज अ टाइप ऑफ सिल, इसी को हम लोग बोल देते हैं सिल। तो इट इज अ मोल्टन मैग्मा इंट्रूजन हॉरिजॉन्टली इनटू द बेड ऑफ सेडिमेंटरी प्लेन इज कॉल्ड एज सिल। क्लियर हो गया क्या है सिल का मतलब, आगे देखेंगे। डाइक्स, डाइक्स का मतलब यही है, जो वेंट निकली हुई है इसी को हम लोग डाइक बोलते हैं। ये डाइक हो जाती है अगर बहुत लंबी होती है तो डाइक बोलते हैं, छोटी हो जाती है तो उसको हम लोग वेंट बोलना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज मोल्टन मैग्मा इंट्रूजन वर्टिकली अलोंग द वॉल्स ऑफ इग्नियस रॉक आर कॉल्ड एज डाइक्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट होती है, आप जरा ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत लोपोलिथ, लोकोलिथ, पैथोलिथ इस तरह से करके नाम आने वाले हैं। तो एक होती है जिसको बोला जाता है लैकोलिथ। लैकोलिथ का मतलब होता है जो डूम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, डूम शेप्ड स्ट्रक्चर। जैसे यहां पर देखिए दो दो सी आ गया एंड सी समथिंग लाइक डूम टाइप का बन रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ये डूम टाइप का स्ट्रक्चर होगा। डूम टाइप का स्ट्रक्चर मतलब जैसे आप देख सकते हैं यहां पर देखिए एक डूम बनी हुई है, बनी है कि नहीं, ये देखिए डूम बनी हुई है। एंड दिस इज समथिंग लाइक, जैसे मशरूम होती है ना, तो बस मशरूम के जैसे ही डूम होता है और डूम शेप को ही हम लोग बोलते हैं लैकोलिथ। क्लियर हो गया क्या चीज है। देखिए एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन ही पूछी जाती है। एक तो पहली बात तो आजकल आ नहीं रहा है, लेकिन इन केस अगर आता भी है, हालांकि चांसेस बन रहे हैं आने के इस बार, तो अगर मान लीजिए आता भी है तो आपसे सीधे डेफिनेशन पूछा जाएगा, इसके बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल पे नहीं आता है, टेक्निकल डिटेल खैर है भी नहीं। नेक्स्ट होती है लोपोलिथ। लोपो मतलब हो गया, जैसे देखिए इसमें लोपो, दिस इज समथिंग लाइक पी आ रहा है, पी मतलब क्या है, आपको दिख रहा है कि एक तरीके का ये पी माने प्लेट हो गया, एंड प्लेट इज लाइक सॉसर टाइप, ठीक है, तो सॉसर टाइप हो गया। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि हमें एक लोपोलिथ देखने को मिल रही होगी, और लोपोलिथ एक होती है सॉसर टाइप की। क्लियर हो गया। तो प्लेट टाइप की आप देखने को मिलेगी, दिस इज समथिंग लाइक, देखिए यहां पर जो है प्लेट टाइप की, ये तो हालांकि सिल्स हो गई। देखिए फिगर में अगर आप देखेंगे तो आपको लोपोलिथ नहीं दिखेगा, लोपोलिथ मैं आपको दिखाता हूं, आइए यहां पर देखते हैं। लोपोलिथ कुछ इस तरीके की होती है, ये ऐसा आपको सरफेस मिलेगा इस तरीके का, हालांकि जब आप इसको देखेंगे तो आपको सिल टाइप का ही दिखेगा, बट इट हैज अ स्लोप, देख सकते हैं आप स्लोप है इस तरीके से, इतना डीप डाउन गया हुआ है। जब आप इसको 3D फिगर में देखेंगे तो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा दिखेगा, जहां पर आपको एक प्याला टाइप का दिखेगा, जैसे होता है ना ये इस तरीके से हमारी कह लीजिए कटोरी टाइप की, या इस तरीके से हमारी थाली टाइप की हो जाती है, तो ऐसा आपको कटोरी देखने को मिल रहा होगा। एंड दिस इज समथिंग लाइक दिस, जहां पर आपको इस तरीके से लोपोलिथ दिख जाएगी, मतलब यहां पर यू कैन फिल दिस जो भी कप है, ठीक है। तो ये हो जाती है लोपोलिथ, जहां पर सॉसर शेप आपको देखने को मिल जा रहा होता है। नेक्स्ट होती है पैकोलिथ। पैकोलिथ मतलब कुछ नहीं होता है, इसे समथिंग लाइक लेंस शेप्ड मास ऑफ इग्नियस रॉक। तो एक पैकोलिथ हो जाती है जहां पर आपका सरफेस जो है ये सिनक्लाइन और एंटीक्लाइन ऐसा बन जाता है, मतलब दिस इज लाइक दिस, और यहां पर जो होता है मटेरियल यहां पर भी जमा हुआ है, दिस इज लाइक छोटा सा माउंटेन, और यहां पर ये इस तरीके से हमारा जमा हुआ है जो कि एक उल्टा माउंटेन बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सिनक्लाइन एंड एंटीक्लाइन, दिस इज एंटीक्लाइन और इस वाले को बोलाता है सिनक्लाइन, ठीक है। तो ये हो गया पैकोलिथ। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं जहां पर सीसी आया हुआ है दिस इज डूम शेप हो गया है, जहां पर पी आया हुआ है वहां पर पैकोलिथ मतलब प्लेट हो गया है, और जहां पर पैकोलिथ आया हुआ है वो एक तरीके से सिनक्लाइन एंटीक्लाइन वाला चीज हो गया है। क्लियर हो गया क्या चीज है। ये हो जाती है हमारी पूरी की पूरी सरफेस। और लास्ट में हमारी आ जाती है बैथोलिथ। बैथोलिथ के बारे में मैंने आप लोगों को बताई दिया, इट इज अ ह्यूज मास ऑफ इग्नियस रॉक या फिर मोल्टन मैग्मा। क्लियर हो गया। अब हमारी नेक्स्ट सरफेस आती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो कहां कहां बटा हुआ है। अब आपको पता है वोल्केनो क्यों आएगा, वोल्केनो तभी आएगा जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएगी और ये दूसरी प्लेट इस प्लेट के नीचे चली जाए। एक तो ये ऑप्शन है, दिस इज कन्वर्जेंट बाउंड्री वाला ऑप्शन, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो जहां पर भी दो प्लेट टकराएगी, अब ये प्लेट कैसी होनी चाहिए, ये प्लेट होनी चाहिए ओशियन, या तो ओशियन या फिर कॉन्टिनेंट ओशियन हो सकती है, ठीक है। तो यानी 100% जब भी कोई भी अगर सरफेस ओशियन के कोस्टल एरिया में, जैसे मान लीजिए कि हमारा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट अगर कोस्टल एरिया में है तो 100% वहां पर वोल्केनो पाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं, ये पूरा इलाका देखिए, क्या पूरा का पूरा इलाका आपको वोल्केनिक मिल रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर है पैसिफिक प्लेट, जैसे पैसिफिक प्लेट, और यहां पर हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट,
सिमिलरली साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सब मेजर प्लेट में आ जाती हैं कि नहीं आ जाती हैं। यहां पर देखिए लाइन से आपको वोल्केनो देखने को मिल रहा है, ये पूरा वोल्केनो को आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो आपको एक इलाका क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पर भी हमारी पैसिफिक ही प्लेट है, दिस इज पैसिफिक प्लेट अगेन, और यहां पर भी लाइन से हमें इस तरीके से वोल्केनो देखने को मिल रही है, क्योंकि ये भी पूरी की पूरी इलाका हमारा सेम पैसिफिक प्लेट के संपर्क में आ रहा है। सिमिलरली यहां पर भी इंडो ऑस्ट्रल प्लेट वाला आ गया और वो भी पैसिफिक प्लेट के साथ आ गया, तो यहां पर भी हमें वोल्केनो देखने को मिल रहा है। अंटार्कटिका प्लेट हो गई साउथ में पैसिफिक प्लेट के साथ में, यहां पर भी हमें वोल्केनो देखने को मिल जा रहा हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाई दिस काइंड ऑफ प्लेट्स, दिस काइंड ऑफ वोल्केनो इज देयर। इंडिया में जब आप देखेंगे तो इंडिया में भी देखिए यहां पर हमारी अंडमान निकोबार एंड उसके बाद से यहां पर बे ऑफ बंगाल वाली प्लेट आ जा रही है, छोटी प्लेट है लेकिन खैर प्लेट तो प्लेट है। ठीक है, फिर उसके बाद से यहां पर क्या सीन है, अब देखिए यहां पर इंडिया के साथ में केस ये है कि यहां पर हुआ करता था टेथिस सी, एक चीज होती है टेथिस सी हुआ करता था, हम लोग बात करेंगे जब इंडिया वाले बात करेंगे तो टेथिस सी हुआ करती थी, यहां पर भी पहले ओशियन कॉन्टिनेंट इंटरैक्शन हुआ था और इस वजह से यहां पर वोल्केनो आ गया है। तो हिमालय वाज वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ वोल्केनो, लेकिन अब खैर नहीं है। फिर एक तो ये हो गया टाइप, दूसरी टाइप होती है डाइवर्जेंट बाउंड्री की, डाइवर्जेंट बाउंड्री, इस डाइवर्जेंट बाउंड्री में हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके से बीच में रिफ्ट वैली बन जा रही थी, रिफ्ट वैली बनेगी तो सीधी सी बात है यहां पर सरफेस क्रैक में आ जाएगा, यानी यहां पर सरफेस जो होता है वीक हो जाएगा, वीक होगा सीधी सी बात है वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेगा। ये देखिए ये पूरा का पूरा इलाका यही आपको देखने को मिलेगा, दिस इज समथिंग लाइक डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां पर ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये ग्रेट रिफ्ट वैली का पार्ट होता है, ग्रेट रिफ्ट वैली यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी देखिए यहां पर ओशियन के अंदर में ही जो ये प्लेट मिल रही है ये क्या है, दिस इज ओशियन ओशियन इंटरैक्शन, ओशियन ओशियन इंटरैक्शन, और यहां पर हमें इस तरीके का वोल्केनो मिल रहा है देखने को। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये हम लोगों ने देखा वोल्केनिक इरप्शन के बारे में और वोल्केनिक इरप्शन के क्या क्या कारण हो सकते हैं वोल्केनो आने के, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने देख लिया उसी बहाने, तो हम लोगों ने कंसेप्ट को प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा गीजर और हॉट स्प्रिंग के बारे में, बहुत ही सिंपल सा टर्म है लेकिन बस यही है कि दोनों में आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि गीजर और हॉट स्प्रिंग में अंतर क्या होता है। तो गीजर के बारे में पहले देख लीजिए क्या होती है, ये एक फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर होती है, मतलब कि फाउंटेन मतलब क्या होता है, पानी बहुत हाइट तक ऊपर फेंका जाएगा, तो ये हाइट अप तक वाटर जाएगा फिर उसके बाद रिटर्न बैक कर रहा होगा, तो दिस इज फाउंटेन ऑफ हॉट वाटर एंड सुपर हीटेड स्ट्रीम फ्रॉम अर्थ बीनिथ इन विच वाटर इज हीटेड बियॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट विद एक्सप्लोजन। अब देखिए वाटर को, अब जरा यहां पर हम लोग फिजिक्स यूज करने वाले हैं हीट का, तो जिन लोगों का फिजिक्स रहा होगा काफी अच्छे से समझ जाएंगे, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आपको आइडिया तो लगेगा ही क्या है। देखिए वाटर जब हमारा नीचे है तो वाटर को हम लोग दे रहे हैं हीट, जब हीट देंगे तो एम एस डेल्टा टी, ये आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, एम एस डेल्टा जी स्पेसिफिक हीट जब आप दे रहे होते हैं तो वाटर का टेम्परेचर राइज करते जाता है, ये टेम्परेचर राइज करेगा तो सीधी सी बात है एक पॉइंट आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट, इस बॉइलिंग पॉइंट को जब अचीव करेगा उसके बाद से वाटर कन्वर्ट होगा वेपर में, लेकिन इस वेपर में कन्वर्ट होने के लिए अगेन इसको एक अलग से हीट चाहिए होती है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसके लिए एम डेल्टा एल, इस तरीके से आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, तो ये कन्वर्ट हो गया वेपर में। सिमिलरली इसी तरीके से जब इसको कूल डाउन किया जाएगा, कूलिंग की जाएगी, यानी इसमें से हीट जो है वो निकाल ली जा रही है, तो हीट माइनस कर दी जा रही है एम एस डेल्टा टी, फिर उसके बाद से ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगेन इसकी लेटेंट हीट ऑफ जो भी इसका कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड वाटर में वो लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें वाटर से वेपर और वेपर से वाटर कन्वर्ट होते हुए मिलेगा जब नीचे से पानी ऊपर गया है, क्योंकि यहां पर हीट लगातार इसको दी जा रही है, क्योंकि यहां पर हाई टेम्परेचर है तो हीट दी जा रही है, लेकिन जैसे ही सरफेस को आ गया ये हीट इसकी रिलीज होनी शुरू हो गई, एटमॉस्फेयर इससे हीट जो है वो लेने लगा, सोखने लगा, तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, अगर ये वेपर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रही है तो जैसे ही एक्सपोज टू द सर्फेस होगा अब वैसे ही एटमॉस्फेयर इससे हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हमें फाउंटेन फॉर्मेट देखने को मिल रहा होगा। तो यहां पर थोड़ा सा हम लोगों ने कलाकारी की है अपने फिजिक्स के साथ में,
और समझने की कोशिश की थी कि क्या चीज है। बाकी यहां पर आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा बियॉन्ड बॉइलिंग पॉइंट विद एक्सप्लोजन। बाकी कुछ कुछ गीजर्स वगैरह हैं, जैसे आइसलैंड में एक गीजर है, इसी तरह से येलोस्टोन नेशनल पार्क है हमारी यूएस में, वो भी एक गीजर है। समझ में आ गया, ये हो गया गीजर का पार्ट, जहां पर देख सकते हैं वाटर जो होता है ऐसे एक्सप्लोड कर रहा है, बाहर क्यों निकल रहा है। आगे बात करते हैं हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग क्या होती है? देखिए हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है यहां पर पानी बहुत हाइट नहीं अचीव करता है। देखिए वाटर राइजेस टू द सरफेस विदाउट एनी एक्सप्लोजन, यानी कि यहां पर दो बातें हैं। अब देखिए यहां पर अगेन थोड़ा सा फिजिक्स यूज कर लिया जाए। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में, कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको बोलते हैं AV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब ये क्या होता है, A इज मतलब एरिया और V मतलब वेलोसिटी। जैसे अगर मान लेते हैं कि इतनी बड़ी अगर कोई पाइप है तो इसका एरिया कुछ इतना बड़ा एरिया हो गया, यहां पर कुछ वेलोसिटी V1 है, आगे से आपने क्या कर दिया, पाइप को पतला कर दिया, एरिया आपने कम कर दिया, अब वेलोसिटी ऐसी हो गई। V1 और V2 में कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली V2 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एरिया इसका ज्यादा है, तो A इंटू V बराबर इसका A इंटू V होना चाहिए, इसका एरिया कम है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। देखा होगा आपने पाइप, नॉर्मल पाइप रखिए और पाइप में से पानी आ रहा है तो नॉर्मल, और उसके बाद पाइप को आप आधा मोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए टैप से, जो अंगूठे से बंद करते हैं ना, तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। बस वही चीज यहां पर भी है AV। अब देखिए यहां पर है क्या कि गीजर, जो हमारी गीजर है उसको एरिया कम मिला है तो हाइट ज्यादा अचीव किया है क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा हो गई है इस प्रिंसिपल के हिसाब से। लेकिन हॉट स्ट्रिंग में क्या होता है कि आपका जो एरिया होता है बहुत ब्रॉड होता है, जब ब्रॉड रहेगा तो हाइट अचीव नहीं करेगा और पानी हल्का हल्का बुलबुला टाइप का ऐसे ऐसे निकलता रहेगा भाप के फॉर्मेट में, और एटमोसफियर से जैसे ही एटमोसफियर को एक्सपोज होगा, मतलब कि सरफेस को एक्सपोज होगा, जो भी एटमॉस्फेयर है उससे हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा और इस तरीके से वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसी वजह से हॉट स्प्रिंग में हमें विदाउट एनी एक्सप्लोजन देखने को मिलता है क्योंकि एरिया बहुत ब्रॉड होता है। दिस कंसिस्ट ऑफ डिजॉल्व मिनरल एंड ऑल दैट, ये सब चीजें होती हैं। जैसे इंडिया में मणिकरण में चले जाइए, वहां पर आपको हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा, वहां पर एक गुरुद्वारा भी है। यहां पर देखिए गीजर देख सकते हैं आप, दिस इज गीजर, और यहां पर देखिए एरिया बहुत ब्रॉड है, पानी निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, ये देखिए डिफरेंस के बारे में बताया गया है कि हॉट स्प्रिंग और गीजर में, दिस इज गीजर, यहां पर ये गीजर है, सिमिलरली यहां पर ये हॉट स्प्रिंग है। यहां पर देखिए डीप हायर डेप्थ इन नॉट टू स्केल, यहां पर देख सकते हैं कि ये जो पूरा एरिया है वो हीटेड है और वेंट बहुत पतली मिली हुई है। देखिए वेंट यहां पर पतली है, देख सकते हैं ना यहाँ की कंस्ट्रक्शन है, और जबकि यहां पर वेंट एकदम कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना एरिया जो होता है कूल कूल सा बना हुआ है। तो दिस इज लाइक हॉट स्प्रिंग के बारे में, समझ में आ गया क्या चीज है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन वोल्केनो के बारे में, जो कुछ भी डिटेल्स हो सकता था सारा कुछ मैंने बता दिया, मटेरियल बता दिया, इसके पीछे का साइंस मैंने बता दिया, समझ में भी चीजें आ गई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर नीचे अगेन वही टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन करके अपने डाउट को रेज कर सकते हैं, हम लोग फिर उसको डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप जरा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी डिस्कशन के बेसिस पे। दिस इज द वन क्वेश्चन, यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वोल्केनिक इरप्शन। यहां पर दिया गया है कि आफ्टर द इरप्शन ऑफ मैग्मा हैज सीज्ड द क्रेटर फ्रीक्वेंटली टर्न इनटू अ कैल्डेरा, और दूसरा स्टेटमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं क्या चीज है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, केवल पढ़िए नहीं उस चीज को अप्लाई भी करिए। लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गिव दिस आंसर करेक्टली, देखते हैं कौन कौन लोग दे देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि ओशन कन्वर्जेंस के कारण से क्या कुछ चीजें बन सकती हैं, और साथ में हमारी अलग अलग फॉर्मेट भी दी गई है। यहाँ पर ये ऑप्शन है, अगेन आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम लोग टेलीग्राम चैनल में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए फिर स्टॉप करते हैं इसको, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।